अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टेस्टी और हेल्दी सूप की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी आपको बताऊंगी किस तरह से आसानी के साथ आप इसको बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा ये मज़े का लगेगा। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए आपको बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा हेल्दी से सूप के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें चिकन हमने बोनलेस ले लिया है एक पाव, इसको हमने इस तरह से क्यूब्स की शेप में काट लिया है। वेजिटेबल्स में हमने तकरीबन एक कप गाजर ले ली, इस तरह स्क्वेयर्स में काट ली है। यहाँ पे फूल गोभी ले लिया, ये भी एक कप है, इसको भी इस तरह से पीसीस में काट लिया है। ये हरी प्याज ले ली है, तकरीबन हाफ कप है, इसको भी काट लिया है। यहाँ ये पत्ता गोभी है, इसको इस तरह हाथ से मैंने तकरीबन चार पांच पत्तों को हाथ से इस तरह बड़ा बड़ा साइज़ का इस तरह से इस साइज़ का तोड़ लिया है। कुछ मैंने हाफ कप पीस लिए हैं, यानी कि मटर लिए हैं, ये हाफ कप है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये पालक ली है, तकरीबन पालक भी मेरी एक कप है, इसको ये काटने के बाद एक कप पालक है। यहाँ पर मैंने कॉर्नस लिए हैं, कॉर्न तकरीबन एक कप कॉर्नस हैं, ये भी कच्चे हैं, एक अंडा जाएगा। इसके अलावा ये स्पेगेटी का हाफ पैकेट मैंने लिया है, इसको मैंने तोड़ लिया है। आप अपने पसंद के मुताबिक और भी कोई सब्जियां ऐड कर सकते हैं या कोई ऐसी सब्जी आपको नहीं पसंद तो उसको निकाल सकते हैं। तो हमने वन बाय वन इनको ऐड करते जाना है उस हिसाब से कि ये किस तरह गलेंगी। तो हमने सबसे पहले तो ये कॉर्न हमारे कच्चे हैं, हमने चार जग पानी ले लिया है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले कॉर्न को ऐड करेंगे क्योंकि ये ज़रा गलने में टाइम लेते हैं। तो इसके तकरीबन 10 मिनट तक इसको पहले मैंने रख देना है ऊपर। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके बाद ये कॉर्नस को डाले हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये अब मैंने चिकन अंदर डाल दिया और इसके 5 मिनट के बाद मैंने स्पेगेटी इसमें ऐड करनी है। 5 मिनट चिकन को डाले हुए हो गए हैं, अब मैंने इसमें स्पेगेटी ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही स्पेगेटी के साथ ही मैंने मटर भी ऐड कर देने, ये मैंने सारे इसमें पीस भी ऐड कर दिए। और इसके 5 मिनट के बाद फिर मैं दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा जी, अब मैंने तकरीबन 5 मिनट के बाद ये वाली सारी वेजिटेबल्स भी डाल दूँगी जो बाकी रह गई हैं, गाजर गोभी और ये ग्रीन अनियन जो है, ये सारा कुछ भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आपने बस तरतीब ऐसी रखनी है सब्जियों की, जो देर से गलती है उनको पहले डालना है, जो जल्दी गल जाती है उनको बाद में डालना है। ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा सूप बनता है, आसान है बनाना भी और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किसी भी मौसम में वैसे तो आप पी सकते हैं। बस सिर्फ हम इसको डाल के 2 मिनट इंतज़ार करेंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अजीनोमोटो 1 टेबलस्पून ले लिया है, रेगुलर सॉल्ट जो है तकरीबन 1.5 टीस्पून ले लिया है, 3 मैंने चिकन क्यूब्स ले लिए हैं इस तरह से, 1/4 टीस्पून धड़ा मिर्च है और 1/4 टीस्पून ही ब्लैक पेपर है। इसको जो है ये क्यूब्स हैं इनको ज़रा मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, तोड़ लूँगी हाथ की मदद से, और ये सारी चीज़ें भी मैंने ऐड कर लेनी है। नमक मैं 1/2 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसमें हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्पेगेटी जो हमने डाली है इसके अंदर उसी से ये सूप गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्पेगेटी इसमें गलती जाएगी ये गाढ़ी भी होगी और ये फूल भी जाएगी। सब वेजिटेबल्स आहिस्ता आहिस्ता से गल रही हैं। अब मैं इसके अंदर ये जो स्पिनिच है ये भी ऐड कर दूंगी, मैंने सारी स्पिनिच भी ऐड कर दी है, मिक्स कर देंगे।
इसको 5 मिनट और वेट करेंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में ये पत्ता गोभी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ गल जाता है। ये भी हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने अंडा भी फेंट के रख लिया है, वो भी अब बस अंडा भी साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छा, स्पेगेटी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की होती है, कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है और कुछ के अंदर इतना स्टार्च नहीं होता, तो ये मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना पड़ेगा। तो 4 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल लेंगे, वो भी हम पहले अंडा ऐड करेंगे, उसके बाद वो भी डाल देंगे। ये हमने अंडा डाल दिया, अच्छे से डाल दिया। अंडा डालने के बाद हमने मिक्स किया। अंडे के बाद ही मैंने अब कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके करते जाएंगे ऐड, चम्मच भी लाते जाएंगे। बस 4 टेबलस्पून हीप लिए हैं मैंने, उसको एक ग्लास या हाफ ग्लास में घोल लिया है और इसको अच्छे से अब हिला दूँ। ये हमारा गाढ़ा सा बन गया। कॉर्नफ्लावर डाल के हम तकरीबन इसको 1 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ऑलमोस्ट हमने सब्ज़ियाँ यहाँ पे ज़रा खड़ी खड़ी रखी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आपने गलाना, उससे इसकी गज़ाइत भी ख़त्म हो जाती है और मज़े का भी नहीं बनता। तो ऑलमोस्ट इट्स डन। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, गाढ़ा भी हो गया, अच्छा ज़बरदस्त सा सूप रेडी हो गया। सूप को हमने सर्व जिसके साथ करना है, ये देखिए हमारा हेल्दी सा सूप तो ये देखिए रेडी हो गया। हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा देखिए गर्मा गर्म सा हेल्दी सूप और टेस्टी हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने इसको सर्व करना है। ये देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ले ली है और उसको 2 टेबलस्पून सिरके में भिगो के रख दिया है, 1/2 आवर रखा है। इसी तरह हमने हरी मिर्चों को भी सिरके में भिगो के रख लिया है, तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें हैं, इनको 2 टेबलस्पून सिरके में भिगो दिया है। इसको साथ हम इसके जाएगा सोया सॉस, विनेगर और हॉट सॉस रखी हुई है मैंने, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो आपने ये ज़रूर टेस्टी और हेल्दी सूप ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाइए। अल्लाह हाफिज़।